गुरु का अनुभव ये है, देश में सबसे बड़ा जो शोषक है वो सरकार को है, सबसे बड़ा शोषक। अगर उनके यहाँ जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, कितने डेली रेटिंग पे काम करते हैं, कितने रेगुलर हैं, डेली रेटिंग की संख्या कितनी बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सब कॉन्ट्रैक्टर, उसका भी एक सब कॉन्ट्रैक्टर पूरा नक्शा हम सरकार के ढांचे में ही देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आम आदमी की लड़ाई आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ, आप उस दृश्य के अंदर जो हमारे कमीशन होते हैं, अधिकतर हमने क्योंकि कमीशन का सारा अपॉइंटमेंट सरकार करती है, तो हम लोगों का अनुभव चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, कमीशन का हमने यही देखा है कि वो सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती है कि जिस दिन तुम हमारे खिलाफ बोले उस दिन तुम्हारी छुट्टी। तो ये मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है, और कोई कानून में भी बहुत ज्यादा पावर्स कमीशन को नहीं होते, रिकमेंडेशन कर सकती है, कोई फैसला नहीं कर सकती, कोई केस डिसाइड नहीं कर सकती, किसी पर जुर्माना नहीं लगा सकती। लेकिन देखने को यह मिला है कि रिकमेंडेशन के मामले में भी वो सरकार के खिलाफ जो है कहीं भी बोलने की बात नहीं करती, और कई अधिकतर ये भी देखने को मिला है कि बोलना तो खिलाफ अलग बात है, सरकार को गलत कामों के लिए डिफेंड करती है और सरकार कमीशन को इस्तेमाल करती है अपने गलत चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो अच्छा, क्योंकि ये चैलेंज है, आप आए तो मैं जनता की सेवा करने के लिए और आप करने लगे सरकार की सेवा, तो कहीं मुझे लगता है कि कंट्राडिक्शन है उसमें आएगा, और सच में चैलेंज भी है। तो अगर आदमी को अपनी सीटी ना रहे कि मेरी सीटी चली जाएगी तो मैं करूँगा क्या, तो वो भी एक समस्या है। लेकिन बट मुझे लगता है कि जो प्रायोरिटी है वो जनता है, और अगर जनता के अधिकारों की हम रक्षा नहीं कर सकते तो शायद हम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है, ना नैतिक रूप से ना लीगली रूप से कि हम कमीशन में खड़े रहे। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि समस्याएं तो बहुत है, और सफाई कर्मचारी क्योंकि सबसे समाज में निम्न स्तर पे देखे जाते हैं, तो इसलिए और भी बड़ी समस्या है। अभी मैं कल यूपी के हाथरस इलाके के अंदर था, और मैंने एक प्राइमरी स्कूल का विजिट किया, एक मिडिल स्कूल का विजिट किया, स्थिति थी 50% तो बच्चे ही नहीं थे स्कूल के अंदर, 50% जो टीचर भर्ती है ऑलरेडी वो भी नहीं थे। डेस्क के बारे में वो बोल रहा था कि 2007 के बाद कभी कोई सामान ही नहीं आया यहाँ पे, डेस्क इतने पुराने हो गए, स्क्रीनियाँ छोटी हुई थी, मतलब बहुत ही सेंटर में जाना था, छठी सातवीं आठवीं के बच्चे को एक शब्द अंग्रेजी का बोलना नहीं आता था, दिल्ली का भी लगभग यही था। सरकारी स्कूलों में जो हमारे बच्चे हैं वो भी सारे निम्न स्तर के बच्चे हैं, तो जरा सा भी बढ़ाया वो अपने बच्चे को विड्रॉ कर लेते। तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्थ की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, नौकरी की समस्याएं हैं, और भी अगर मेरे ख्याल से जैसे कमीशन और चीजों में जाएगा तो देखेगा कि बहुत समस्याएं समस्याएं हैं। लेकिन ये एक चैलेंज भी है, और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा हमारे कमीशन के सदस्यों से कि वो जनता को ऊपर रखे, सरकार से ऊपर, और अगर सरकार जनता की ना सुने और उनकी ना सुने जो जनता की आवाज उठा रहे, तो मुझे लगता है कि उस उसी को 2 मिनट भी नहीं रखना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। थैंक यू।